स्टूडेंट्स, कोल टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल हमेशा हम कुकिंग के लिए या सिर्फ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज नहीं करते, कि आपको कुछ बर्न करना है, सिर्फ उसी लिए यूज नहीं करते। कोल के और भी कोल प्रोडक्ट से, कोयले से हम बहुत सारी चीजें भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो चीजें कैसे मिलती हैं हमें, ये एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्टिलेशन आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में किया है, जिसमें डिस्टिलेशन मतलब आपको प्योर फॉर्म मिलता है, जिसमें आपने वाटर को कंडेंस करके प्योर फॉर्म में आपने वाटर लिया था, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस था। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव मतलब एक बड़े पार्ट से छोटी छोटी डिफरेंट पार्ट्स हम निकालेंगे, तो इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का प्योर फॉर्म और बहुत सारे पार्ट्स निकालेंगे, इसलिए ये पूरी वर्ड का मतलब बनता है। तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, हम कोल लेते हैं और इस कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं, एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं चाहिए। एयर के एब्सेंस में 1000 डिग्री सेल्सियस पे कोल को हम हीट करेंगे और वहां से हमें मिलेगा कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनिकल प्रोडक्ट्स। ये चार चीजें हमें मिलेंगी। तो एक बड़े कोल से, एक कोयले से हमने चार चीजें मिली हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। तो उसके लिए पूरा एक सेटअप है लैब में, जैसे हम लेबोरेटरीज में करते हैं, पूरा एक उसका सेटअप रहता है। एक ट्यूब लेनी है जिसके अंदर आपको लेना है कोल, ठीक है, बर्नर है, आगे ट्यूब्स जा रही है, ये एक बड़ी बिग ट्यूब है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो क्या करना है, कोल आपने लिया, इस कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब एयर तो हमेशा हर जगह प्रेजेंट रहती है, अब इसको एयर को कैसे आप हटाओगे, आप इसमें कोल डाल के वैक्यूम क्रिएट कर दोगे। वैक्यूम मतलब एयर वहां से हम हटा देंगे, तो इस तरह से एयर यहाँ पर हट जाएगी, वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा, फिर हम इस बर्नर की हेल्प से इस कोल को हीट करेंगे। जब ये हीट होगा तो कोयला, अब कोई भी चीज है प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इस कोल के अंदर कुछ वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं। वोलाटाइल, यहाँ एक नया वर्ड है, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। वोलाटाइल मतलब जो ऐसी इम्प्योरिटीज जो जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो फास्ट क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं, अब जैसे दाल में आपके कंकर आया, तो कंकर तो आपका एक सॉलिड पार्ट है ना, उसको तो आपको थ्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, वो जो कंकर है वो अपने आप ही गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो वहां से चला जाए, तो कैसा रहेगा, तो उन चीजों को बोलते हैं वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। तो कोल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो निकल जाती, ठीक है। तो जब ये बर्न करोगे तो कुछ वेपर्स निकलेंगे, तो ये वेपर्स निकलेंगे, तो ये वेपर्स जब जाएंगे इस ट्यूब के थ्रू, इस के अंदर जाएंगे, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू जाएंगे। अब यहां वाटर है, ये वाटर प्रेजेंट है आपका, जब गैसेस आएंगी यहां से, जो गैस निकली है, जब ये गैसेस आएंगी तो क्या होगा, कंडेंस होंगी यहां पर, कुछ गैसेस, सम गैसेस आपकी कंडेंस होंगी। कंडेंस होने के बाद क्या होगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में नीचे यहाँ पे डिपॉजिट होने लगी, और उस चीज को हम बोलते हैं कोल तार। एक विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस मतलब एक गाढ़ा थिक फॉर्म में एक लिक्विड होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जब ये वेपर्स गैसेस कंडेंस हो जाएंगी। जब ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी तो नीचे वो डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट थ्री, यहाँ पर थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट हो रही है गैसेस। तो फर्स्ट कुछ कंडेंस हो जाएंगी, सेकेंड कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो क्या होंगी, कलरलेस होंगी,
कुछ कलरलेस वेपर्स क्या होंगे इस विस्कस लिक्विड के ऊपर स्टोर हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, अमोनिकल लिकर और अमोनिकल लिकर। अब थर्ड, ऐसी गैसेस हैं जो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगी, वो गैसेस आपकी यहाँ से निकल जाएंगी और उसको बोलेंगे कोल गैस। तो यहाँ गैसेस, जो गैस वेपर्स हैं, वो थ्री पार्ट्स में जा रहे हैं। फर्स्ट कोल तार बन रहा है, सेकंड अमोनिकल लिकर बन रहा है, थर्ड कोल गैस बन रहा है। कुछ जो कंडेंस हो जाएंगी वो कोल तार बन जाएगा, ये कोल तार है, कोल तार बन जाएगा। कुछ कलरलेस वेपर्स होंगे जो ऊपर फ्लोट करेंगे, वो होंगे आपके अमोनिकल लिकर कहा जाएगा उन्हें। और जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे, अनरिएक्टिव गैसेस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, कोल गैस। अब जो जितनी भी चीजें आपको मिली हैं यहाँ पर, सबका अपना अपना यूज है, ठीक है। कोल तार, पेंट्स, फाइबर्स, डाइज, नेप्थलिन बॉल्स, जो कपूर की गोलियां होती है आप घर में यूज करते हैं, वो कहाँ से मिलती है, कोल तार से मिलती है। अमोनिकल लिकर जो प्रोडक्ट मिला है उसे फर्टिलाइजर्स में हम यूज करते हैं। कोल गैस गैस फॉर्म में है, इसको एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। इस कोल गैस के अंदर मीथेन होता है गैस, ये जो गैस है वो तीन गैसेस कंटेन करती है, मीथेन, CH4, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब यूज की जाती है इंडस्ट्रियल फ्यूल में। अब एक चीज आती है, जब ये कोल बर्न हो रहा था, सॉरी हीट अप हो रहा था, तो क्या है, सारी इम्प्योरिटीज तो क्या है, वोलाटाइल हो रही थी, तो सब क्या है, गैसेस फॉर्म में इधर जा रहा है, तो पीछे कुछ बच जाता है, उस बचे हुए चीज को हम बोलते हैं कोक। जो लेफ्ट बचेगा कोल, एक प्योर फॉर्म का जो कोल बचेगा उसको हम बोलेंगे कोक। तो कोक आपका प्योर कार्बन होता है, कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ये प्योर कार्बन 98% इसमें कार्बन प्योर रहता है, कोक जो हमें मिलता है, सारी इम्प्योरिटीज जब बर्न हो जाती है, तो 98% हमें कोक प्योर कार्बन की फॉर्म में यहाँ पर मिलता है। ये आपका सबसे बेस्ट फ्यूल होता है, कोक आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट फ्यूल है जो यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से।